मेरा नाम है सैयद सज्जादुद्दीन और मैं अपने आप को एक क्रिएटिव डिज़ाइनर और आर्टिस्ट मानता हूँ। मेरी जो पढ़ाई है बेसिकली मैं एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग जिसको हम प्रोडक्ट डिज़ाइनर कहते हैं और जो मेरा पैशन है वो कैलीग्राफी है। जो शुरुआत हुई वो मेरी अभी कोरोना के सिलसिले में जब कोरोना बढ़ता गया तो साथ साथ मेरा इसके बारे में इसके लिए पैशन बढ़ता गया। कैलीग्राफी जो है मेरा शौक़ बचपन से ही है लेकिन मैंने इसको जो परसू किया एज अ बिज़नेस वो मैंने कोरोना के दरमियान ही किया। इसमें बहुत सारे लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया जिसमें जिन्हें मैं रूहानी भाई कहूँगा। एक सोशल मीडिया का ग्रुप है जिसके ज़रिए मुझे जो है बहुत पजीराई मिली और मेरा काम को सराहा गया। पाकिस्तान में चूँकि ज़्यादातर बिन खलंदर स्टाइल की कैलीग्राफी को फॉलो किया जाता है तो मुझे चूँकि अपने अंदर का आर्टिस्ट को बाहर निकालना था इसलिए मैंने नए किस्म की कैलीग्राफी को जिसे हम कैलीग्राफिटी कहते हैं मॉडर्न आर्ट कैलीग्राफी कहते हैं उसको फॉलो किया। बिन खलंदर स्टाइल में जो होते हैं ना वो पैटर्न्स और हमारे रिवायती जो अंदाज के जो काम हुए हुए होते हैं जिसमें बलोची कल्चर सिंधी कल्चर ये अजरक किस्म के जिसमें कलर्स यूज़ हो रहे हुए होते हैं रंगीन खुशनुमा कलर्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। मॉडर्न कैलीग्राफी में जो सबसे ज़्यादा जैसे मैं कहूँ कि ज़ोर दिया जाता है वो कैलीग्राफी के ऊपर दिया जाता है और उसके स्टाइल के ऊपर। जितने खूबसूरत स्टाइल में आप कैलीग्राफी करेंगे उतना अच्छा उसका नज़र आएगा वो उसका काम। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मैं जिनको फॉलो करता हूँ वो दो ही हैं, एक आदिल आबिदी के नाम से जो कनाडा में हैं और एक रूबी जाफरी जो कि यूएस में हैं। इन दोनों को मैं फॉलो करता हूँ और इसमें ये होता है कि ये जो सिखा रहे होते हैं या ये जो कर रहे होते हैं काम इनको इनसे इंस्पायर होकर मैं अपना काम करता हूँ। साथ खान का कराची से ही ताल्लुक़ है, मैंने उनके काम को पढ़ा भी है उनके काम को समझा भी है, उनकी थ्योरी उनकी फ़िलासफ़ी जो काम के पीछे होती थी वो भी पढ़ी है। वो बहुत खूबसूरत आर्ट जो है वो करते थे लेकिन चूंकि हर आर्ट का एक ज़माना होता है तो मुझे लगता है कि हर ज़माने के लिहाज से कैलीग्राफी में तब्दीली आती है। तो अभी जो मुझे लगता है कि मैं जिस चीज़ को फॉलो करता हूँ ये उसी ज़माने की कैलीग्राफी है और इस चीज़ को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू द बिन खलंदर स्टाइल या ट्रेडिशनल कैलीग्राफी। वैसे अलमिया तो यही है कि लोग पहचानने वाले और समझने वाले बहुत कम हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई भी आर्ट वर्क जो है वो चंद लम्हों में तैयार हो जाता है और उसके पीछे कोई मेहनत नहीं होती। इसके पीछे बेहद मेहनत की जाती है, एक ओरिजिनल आर्ट वर्क बनाने में जितना टाइम लगता है वो उनको समझ नहीं आता और फिर उसके बाद ये होता है कि लोग इस चीज़ को भी नहीं समझते कि इसमें आर्टिस्ट की कितनी मेहनत है। वो अपने स्किल्स के पैसे नहीं बल्कि अपनी मेहनत के अपने एफर्ट के पैसे ले रहा होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने ओरिजिनल आर्टवर्क को सेल करूं और बेसिकली मैं अपने जो आर्टवर्क हैं वो अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे डालता हूं। इसका नाम जो है वो सज्जाद आर्ट वाला के नाम से है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कस्टमाइज के ऊपर जोर देते हैं और जब वो कस्टमाइज बन जाता है तो फिर उसी के ऑर्डर्स दूसरे लोग उसको चाहते हैं कि वही उनको मिल जाए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि क्लाइंट को एक्सक्लूसिव आर्ट दूँ कि जो आर्ट उनके पास ही हो उसके अलावा किसी और के पास ना हो। मैंने साइजेस हर साइज़ का एक जो है प्राइस टैग रखा हुआ है। बेसिकली मेरा जो मकसद है वो ये है कि हर किसी के घर में मेरा आर्टवर्क जाए और मैं अपने आर्टवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने पेश करूँ। तो ये जो 2x3 फिट जिससे हम 24x36 का साइज़ है इसका साइज़ की प्राइस जो है वो 3000 से लेकर 4000 तक वेरी करती है पर कैनवस। अगर सेट ऑफ़ टू है जैसे मैं सूफ़ी वाला जो बनाता हूँ उसमें जो है वो सेट ऑफ़ टू जो है वो 6000 से 7000 तक होता है। और इसके अलावा जो 2x4 फिट जैसे हम 24x48 इंच कहते हैं उसमें जो है वो अगर मेरा ओरिजिनल आर्ट वर्क है तो उसकी प्राइस 6000 होती है और अगर कोई कस्टमाइज है तो वो 6000 से 7000 पे भी जाती है। इसको लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने के लिए दो इसके जो हैं वो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको ग्लास फ्रेम करवा लें और दूसरा तरीका ये होता है कि इसको मैं जब भी कोई क्लाइंट अगर विदाउट ग्लास फ्रेम ले रहा होता है आर्टवर्क मुझसे परचेज कर रहा होता है तो मैं उसको जो है वो वार्निश करके देता हूँ लैकर स्प्रे करके देता हूँ ताकि वो लॉन्ग टर्म तक इसकी जो शाइननेस है वो बरकरार रहे।